हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू लखनऊ लोकल्स। अगर आपका पुराना मिक्सर ग्राइंडर खराब हो चुका है और आपको एक नया और बेहतर मिक्सर ग्राइंडर लेना है जिसमें जूसर अटैच्ड हो, तो यहाँ पे हम लेकर आए हैं सुजाता का अल्टीमेट मिक्सर ग्राइंडर जो कि है पावरमैटिक प्लस, जिसमें आपको एक जूसर मिलेगा, दो जार्स मिलेंगे और उसके साथ मिलेंगी कुछ एसेसरीज। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि इस समय राइट नाउ इंडिया का सबसे मोस्ट फेवरेट और सबसे ज्यादा ड्यूरेबल मिक्सर ग्राइंडर सुजाता का डिटेल रिव्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके साथ हमें मिलता क्या क्या है। सबसे पहली बात है कि इसके साथ मिलेगा पावरमैटिक प्लस मॉडल में आपको मिलेगा एक जूसर, एक मिलेगा आपको ड्राई ग्राइंडिंग जार जिसमें आप बहुत सारे ड्राई मसाले पीस सकते हैं हर तरीके के, जिसमें हल्दी हल्दी भी इंक्लूडेड है। बट ध्यान रखिएगा उन सारे पाउडर्स को थोड़ा सा महीन करना ना भूलिएगा। अगर हम बात कर लेते हैं दूसरे जार की, वो मिल जाता है लिक्विडाइजिंग जार जिसमें आप बहुत सारा शेक और भी चीज़ों में यूज कर सकते हैं। इसकी कैपेसिटी होती है 1.75 टोटल कैपेसिटी, बट यूजेबल कैपेसिटी 1.5 होती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके साथ आने वाले अटैचमेंट की, जिसमें आपको खूब बढ़िया तरीके से क्लीन करने के लिए ब्रश मिल जाता है, फीडिंग यहाँ पे जो जूसर के लिए फीडिंग ये होता है उसके लिए आपको ये प्रेशर मिल जाता है, और भी एक दो एसेसरीज आपको मिल जाती है। तो जरा एसेसरीज को साइड में रख लेते हैं। फिर इसके साथ मिलता है एक वारंटी कार्ड जिसमें यहाँ पे आपको 1 ईयर की मोटा की वारंटी मिल जाती है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, यही मिक्सर ग्राइंडर क्यों इतनी सारी कंपनीज आती हैं वो क्यों नहीं। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट 40 ईयर से सुजाता अपना एक मिक्सर ग्राइंडर्स मैन्युफैक्चर्स कर रहे हैं, और इनकी क्वालिटी और मतलब कह सकते हैं कि पावर क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी का कोई तोड़ नहीं है। मैं बिल्कुल भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने सुजाता मिक्सर ग्राइंडर या जूसर मिक्सर ग्राइंडर ले लिया, यूज़ कर रहे हैं, फिर आपको दोबारा किसी और मिक्सर ग्राइंडर को स्विच नहीं करना पड़ेगा। सबसे अच्छी चीज़ इसकी है कि इसकी मिल जाती है 900 वॉट की मोटर। जरा इसको साइड में रख देते हैं, फिर बताते हैं। 900 वॉट की मोटर है, 1.5 घंटे आप इसको लगातार यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ इनबिल्ट क्वालिटी अल्टीमेट क्वालिटी की मिलती है, और बहुत अच्छी चीज़ है, बिल्कुल सिंपल सोवर, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है मिक्सर ग्राइंडर में, यूज़ करना भी आसान है, और साथ ही साथ जहाँ आपको दमदार पावर के साथ ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है तो वहाँ कोई और चीज़ टिकती नहीं है। तो चलिए पहले इसके बारे में डिटेल जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जूसर की। देखिए ये जो पूरा जूसर का अटैचमेंट आता है उसमें हर एक चीज़ का जूस निकलेगा। इवन अगर आपको पत्ते का भी जूस निकालना है, कोई ऐसी चीज़ ग्रीन वेजिटेबल्स का भी जूस निकालना है, आप इसमें निकाल सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, उसके साथ मौसमी, संतरा, अनार, कोई ऐसा फ्रूट जरूर डाल दीजिएगा जिसमें बहुत थोड़ा सा फ्लैसिड फ्रूट होता है। तो पहले देख लेते हैं कि इसकी इनबिल्ट क्वालिटी कैसे है, इसको ओपन और क्लोज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से इसको ओपन किया जाएगा, ये देखिए इस तरीके से इसको ओपन कर लीजिएगा, ये अटैचमेंट ऊपर उठा लीजिएगा, साइड में रख के आपको पहले इसकी जाली दिखा देते हैं। एंटी क्लॉक वाइज घुमा के इसकी जाली भी हम और आप निकाल सकते हैं, ये देखिए अभी इसकी जाली भी निकाल लेते हैं। ये इसकी जाली है। अब इसकी जाली जो स्टेनर दी हुई है, ये देखिए पूरी तरीके से नीचे भी मेटल की दी हुई है, यहाँ भी मेटल की दी है, यहाँ भी मेटल की दी है। मेटल का देने से ये फायदा हो जाता है कि काफी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, और साथ ही साथ बहुत अच्छी ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग पावर के साथ मिलता है ये। अब इसको जरा नीचे रख लेते हैं, फिर इसके अटैचमेंट दिखाते हैं। एक ये अटैचमेंट होता है जिसमें आपका वेस्ट आ जाएगा, और एक ये अटैचमेंट होता है जो कि आपका जूसर का अटैचमेंट है। अगर इस अटैचमेंट को दोनों को हटा देते हैं, साइड में रख लेते हैं, तो मिल जाती है आपको 900 वॉट की बहुत पावरफुल मोटर जो कि मिक्सर ग्राइंडर का भी बहुत बेहतरीन काम करेगी। अब ये वाला जो मिक्सर ग्राइंडर है उसके साथ आपको 2 जार्स मिल जाते हैं। अगर आपको चटनी जार चाहिए तो वो अलग से आपको परचेज करना पड़ेगा, और चाहते हैं कि जूसर मिक्सर ग्राइंडर मिले तो उसके साथ ये पूरे अटैचमेंट्स आपको साथ में मिल जाते हैं। जरा एक बार आपको इंस्टॉल करना भी बता देते हैं कि जूसर आप किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे यह अटैचमेंट को इस तरीके से बड़े आराम से रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत ही सिंपल तरीके से ऊपर रख जाएगा। उसके ऊपर ये अटैचमेंट रख दीजिएगा, ये अटैचमेंट रखने के बाद थोड़ा पुश कर दीजिएगा, ये देखिए पूरी तरीके से आराम से बैठ गया है। अब इसके ऊपर इस अटैचमेंट को रखने के बाद बहुत ही आराम से, हाँ ये इस तरीके से ये रख जाएगा, और यहाँ पे इसको बंद कर लीजिएगा, दोनों तरफ से बंद हो जाएगा, बहुत ही ड्यूरेबल और अच्छी तरीके से बंद हो जाता है। यहाँ पे एक ये अटैचमेंट मिल जाता है, इसको ना भूलिएगा। ये इसलिए दिया होता है कि जैसे बहुत स्पीड से अगर जूस निकल रहा है तो यहाँ पे इससे लड़के नीचे आ जाएगा बाहर की तरफ,
फैलेगा नहीं या स्प्लिट नहीं करेगा। इसके साथ मिल जाते हैं दो जार्स। ये वाले जार का जो कैपेसिटी होती है 1 लीटर की होती है, जो कि काफी ड्यूरेबल होता है, और इसमें आप खड़ी हल्दी भी पीस सकते हैं। और अगर इसके वेट की बात कर लेते हैं तो जरा वेइंग मशीन ऑन कर लेते हैं, फिर आपके सामने दिखाते हैं कि एक मीडियम साइज का जो जार है इसका क्या वेट हो सकता है। यहाँ पे इसको जरा रख देते हैं और देख लेते हैं। यहाँ पे लगभग 550 ग्राम के आसपास का इसका वेट है, जो कि काफी ड्यूरेबल है और काफी अच्छा वेट है अगर मीडियम जार की बात करते हैं। साइड में रबर हैंडल्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रिपिंग भी और बेहतर हो जाती है। और उसके बाद बात कर लेते हैं ये वाले जार की। ये 1.75 टोटल कैपेसिटी का जार होता है, इसमें 1.5 आप यूजेबल कैपेसिटी होती है, और ये शेक एक के लिए आपका बड़ा ड्यूरेबल और अच्छे से काम करने वाला है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसके वायर की। इसमें वायर आपको लगभग 1.5 से 2 मीटर के आसपास का वायर मिलता है, काफी बड़ा वायर है। साथ ही साथ इनबिल्ट क्वालिटी भी बहुत अच्छी दी हुई है, नॉर्मल प्लग पे लग जाएगा, 5 एम्पियर प्लग पे भी ये लग जाएगा आपका। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका कोई और इसमें इशू रहे, बहुत ही अच्छे ड्यूरेबल क्वालिटी का है। यूज़ के लिए बता देता हूँ, यहाँ पे ऑफ बटन दिया हुआ है, यहाँ पे लो पावर है, मीडियम पावर है, हाई पावर मोड दिया हुआ है, ये 3 मोड्स दिए हुए हैं। नीचे की तरफ आपको विप का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें 1, 2, 3 या 4, 5 सेकंड के लिए आपको ये पुश करेंगे तो ये मोटर ऑन हो जाएगी, छोड़ देंगे मोटर ऑफ हो जाएगी। इसमें ऑटो कट का कोई भी बटन नहीं होता है। और अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो 900 वॉट की मोटर डबल बॉल बेयरिंग पे मिलती है, जो कि और कोई कंपनी ऑफर नहीं करती है। तो मैं आपको कह सकता हूं कि अगर सुजाता की बात करते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन मिक्सर ग्राइंडर है, और साथ ही साथ इसके आसपास भी कोई मिक्सर ग्राइंडर है नहीं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी प्राइसिंग क्या है। अभी फिलहाल इसकी जो MRP है 7308 है, बट इसके लिए जो भी बहुत अच्छे ऑफर्स है उसका लिंक मैंने आपको दे रखा है हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो उस पर भी जाके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और इसके और भी मॉडल्स आते हैं, जैसे सुपर मिक्स आता है, डायनेमिक्स आता है, अगर आपको बहुत बेहतरीन मिक्सर ग्राइंडर चाहिए, जूसर का अटैचमेंट नहीं चाहिए, तो वो वाली वीडियो भी आप चेकआउट कर लीजिएगा, तो आपको एक कंप्लीट आइडिया लग जाएगा। और इन तीनों ही मॉडल्स का हमने लिंक आपको नीचे दे दिया है, तो आप जाके उसमें चेकआउट कर सकते हैं, और अगर लेना चाहें तो बेझिझक होके इसको ले सकते हैं। हम ये डैम श्योर हैं कि अगर आपने सुजाता ले रखी है या अगर आप लेने की प्लान कर रहे हैं तो आप बिल्कुल नहीं पछताएं, क्योंकि ये आज के समय में बिल्कुल अल्टीमेट मिक्सर ग्राइंडर है, मेड इन इंडिया मॉडल का है और बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको लगता है कि ऐसे और भी चीज़ें हमें अनबॉक्स करनी चाहिए तो हमें सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।